गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसे कि आज के वीडियो का टॉपिक है नो योर ट्रांजेक्शन लिमिट इन यू मोबाइल, यानी यू मोबाइल में जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसका लिमिट आपका कितना है। ओके, ट्रांजेक्शन यानी IMPS, NEFT एंड RTGS। ओके, कितना वो लिमिट है और वो जो ट्रांजेक्शन करते हैं NEFT, RTGS उसका चार्जेस क्या है, वो कैसे पता करें आपके यू मोबाइल में। ओके, एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा IMPS, NEFT एंड RTGS में डिफरेंस क्या है। IMPS यानी तुरंत वो पैसा सामने वाले को चला जाएगा। NEFT में सेटलमेंट टाइम रहता है क्योंकि वो RBI में सेटल होता है, उसका टाइम रहेगा जब भी आपने किया। ओके, तो उसके आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक का वो सेटलमेंट टाइम रहता है, यानी जब भी आप करते हैं वो ट्रांजेक्शन उसके आधे घंटे से 2 घंटे तक वो सामने वाले को मिलता है। और दूसरा है RTGS। RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी अभी आप RTGS करते हैं तो वो 5 मिनट के अंदर सामने वाले को मिल जाएगा। तो NEFT एंड RTGS में मेन डिफरेंस क्या है कि अमाउंट का। ओके, जैसे कि अगर जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उसका अमाउंट 2 लाख से नीचे है, 2 लाख से नीचे, बिलो 2 लाख, तो उसको हम बोलेंगे NEFT, यानी उसको हम बोलेंगे मीन्स के वो RBI ने यानी वो रूल ही है कि 2 लाख से नीचे का जो भी होगा उसको वो NEFT में होगा, और 2 लाख से ऊपर का, 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का जो भी हो वो RTGS होगा, यानी 5 मिनट के अंदर उनको पैसा मिल जाएगा। NEFT में जब भी करती है उससे आधे घंटे से 2 घंटे का वो टाइम रहेगा। ओके, यह डिफरेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे अपना लिमिट देखें, कैसे चार्जेस देखें, चलिए देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यू मोबाइल लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 2 तरह से आप वो लिमिट एंड वो लिमिट वो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने लॉगिन कर लिया, सेकंड पेज पे चले जाइए, फिर यहाँ पे देखिए वैल्यू एडेड सर्विसेज। ओके, वैल्यू एडेड सर्विसेज, उसमें देखिए पर्सनलाइज्ड ट्रांजेक्शन लिमिट। ओके, यहाँ पे देखिए IMPS के लिए है 1 to 2 लाख, यानी डेली लिमिट है, यानी रोज का आप 1 रुपये से 2 लाख तक आप IMPS कर सकते हैं। NEFT देखिए 1 से 2 लाख है, इंटरबैंक ट्रांसफ़र है या इंट्रा बैंक, यानी एक ही बैंक से, यानी सेम बैंक ट्रांसफ़र, उसमें भी 2 लाख है। UPI 1 लाख है, रिचार्ज एंड बिल पे 2 लाख है। ओके, तो ये लिमिट हो गया। और अभी आपको मैंने बताया कि चार्जेस कहाँ से देखें। ओके, तो उसके लिए पहले पेज पे है जो फंड ट्रांसफ़र है ना फ्रेंड्स, फंड ट्रांसफ़र। ओके, फंड ट्रांसफ़र में आप चले गए, उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र लिमिट्स, ये देखिए ट्रांसफ़र लिमिट लिखा है ऊपर, ये ट्रांसफ़र लिमिट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए ओवरऑल लिमिट्स फॉर मोबाइल बैंकिंग ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शंस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि मिनिमम है 1 रुपीज़ एंड मैक्सिमम है 2 लाख रुपीज़। ओके, मंथली का भी लिमिट रहता है कि मिनिमम 1 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 20 लाख रुपीज़, यानी ये पर ट्रांजेक्शन लिमिट तो है पर ये, और ये डेली लिमिट है, ये वीकली लिमिट है और ये मंथली लिमिट भी है। ओके, तो ऐसे ओवरऑल लिमिट फॉर मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये ओवरऑल यानी IMPS, NEFT एंड RTGS सब आ गया। ओके, और पर्टिकुलर IMPS का ये है, UPI का ये है। ओके, एक ये क्विक ट्रांसफ़र लिमिट विथआउट एडिंग पे ही है। अगर आप पे ही बनाते नहीं हो, मैनेज पे ही, और आपको पैसा भेजना है तो 5,000 तक वो जा सकता है। ओके, 5,000 अगर पे ही बनाया नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्विक ट्रांसफ़र लिमिट्स विथआउट एडिंग पे ही। ओके, और ये कब चालू रहेगा, यानी 24 आवर्स। और फ्रेंड्स, नीचे देखिए ये इतने अमाउंट पे आपको इतना चार्जेस लगेगा। ओके, तो चार्जेस भी यहाँ पे है। ओके, और टाइमिंग्स भी यहाँ पे लिखा है, ये देखिए सैटरडे 8 आवर्स टू
80.30 आवर्स। ओके, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो आपको ये ट्रांसफ़र लिमिट भी पता चल गई, चार्जेस भी पता चल गया। ओके, अपना ट्रांजेक्शन लिमिट देख सकते हैं एंड वो ट्रांजेक्शन का कितना चार्जेस है वो भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव यानी बारीकाई से यू मोबाइल का इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आपको तुरंत मिल जाए और वह आप देख सके। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं वो आप देखिए ताकि आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैक्सिमम काम 80-90% आपके यू मोबाइल के द्वारा ही वो आप कर सके। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखते रहिए, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।